हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे हाथ में है बॉश कंपनी का एंगल ग्राइंडर। तो फ्रेंड्स, आज इसका छोटा सा अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में छोटी छोटी ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा फ्रेंड्स कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। और अगर मेरा वीडियो और कॉन्टेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। वो जो नीचे नीचे जो आप देख सकते हैं, हाँ नीचे ये यही बस यही सब्सक्राइब बटन आपको प्रेस कर देना है फ्रेंड्स। इससे थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा आपका भाई का। तो चलिए इधर उधर की बातें छोड़ते हैं फ्रेंड्स, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पैकेट मुझे आया अमेजोन की तरफ से। ये मत समझ लीजिएगा कि ये मुझे फ्री मिला है, इसको मैंने पेड किया तो जाके मिला है फ्रेंड्स। मजाक की बात साइड में, तो चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट बिना टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूं। सबसे पहले आपको बारकोड दिख रहा होगा, ये किस काम आता है? तो फ्रेंड्स, ये आपके बहुत काम आएगा जब आपको वारंटी क्लेम करना हो या वारंटी का पीरियड बढ़ाना हो। तो फ्रेंड्स, आप इसको स्कैन करके वारंटी क्लेम कर सकते हो या वारंटी का पीरियड बढ़ा सकते हो। तो एक काम ये हो गया। अब बॉक्स पे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे GWS 600। तो ये इसका मॉडल नंबर है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं 670 वॉट लिखा हुआ है, इसका पावर लिखा हुआ है, तो मतलब ये 670 वॉट पावर कंज्यूम करेगा फ्रेंड्स। और इधर कुछ स्पेसिफिकेशन और लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये 4 इंच का ब्लेड इस पे फिट हो जाएगा फ्रेंड्स। 4 इंच का ब्लेड आप लगा सकते हो ये, और ये 11,000 RPM पे घूमता है फ्रेंड्स। मतलब सोचिए कि एक मिनट में ये 11,000 राउंड घूम सकता है, सोचिए फ्रेंड्स कितना पावरफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर का कुछ चीज बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो इसके अंदर आपको टोटल 5 चीजें मिलती है, मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। सबसे पहले आपको मिलता है हैंडल, उसके बाद मिलता है क्लैंप नट, उसके बाद मिलता है आपको राउंड नट, उसके बाद आपको एक स्पैनर मिलता है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको मिलता है ये एंगल ग्राइंडर, फिर मिलता है आपको एक प्रोटेक्टिव गार्ड। तो फ्रेंड्स, अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, हमें ये एंगल ग्राइंडर क्यों लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जबकि दूसरे एंगल ग्राइंडर इससे सस्ते आते हैं, तो सबसे पहला बात है फ्रेंड्स इसका क्वालिटी और इसका सेफ्टी। फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी होगा उतना ज़्यादा आपका सेफ्टी बढ़ जाएगा, पहला पॉइंट ये हो गया फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, इसका पार्ट्स आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ कहीं भी आप रहते हो आपको इजीली इसका पार्ट्स मिल जाएगा फ्रेंड्स, और सर्विस सेंटर भी मिल जाता है, तो इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरे एंगल ग्राइंडर का थोड़ा पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स इसका स्विच। ये देख सकते हो इसका स्विच, इसको स्लाइड करने से आगे ये वापस आ जा रहा है, तो ये सेफ्टी स्विच इसलिए है फ्रेंड्स। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई काम कर रहे हो उसके वजह से आपको ये किक बैक मिला फ्रेंड्स, अगर ये आपके हाथ से छूटा तो स्विच स्लाइड वापस आने के कारण, अपने पोजीशन में वापस आने के कारण ये फ्रेंड्स एंगल ग्राइंडर बंद हो जाएगा। अगर गिरने पर ये कूदेगा नहीं इधर उधर, बहुत एंगल ग्राइंडर में होता है फ्रेंड्स कि पीछे दिया हुआ रहता है स्विच, उसको टॉगल स्विच कहते हैं, तो वो कूदते रहता है फ्रेंड्स, अगर आपके हाथ से छूटा तो इधर उधर कूदते रहता है फ्रेंड्स, जो कि बहुत खतरनाक होता है देखने में। तो ये हो गया, अब मैं आपको इसका प्रिकॉशन कुछ बताता हूँ फ्रेंड्स, आप इसको सेफली कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं 11,000 RPM पे आपके हाथ में मोटर घूम रहा है जो कि आपको 1-2 सेकंड में बहुत हार्म कर सकता है, कुछ भी कर सकता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसका प्रिकॉशन बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ, जब भी आप इसको यूज करें फ्रेंड्स तो आप प्रोटेक्टिव गार्ड और हैंडल लगाकर ही यूज करें फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप सब, मैंने ये लगा लिया हैंडल इसका, प्रोटेक्टिव गार्ड लगा लिया। अब फ्रेंड्स, कुछ डिस्क के बारे में आपको बता देता हूँ जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास कई तरह का डिस्क है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये बेसिकली 4 इंच का डिस्क इसमें फिट हो जाता है फ्रेंड्स। तो बहुत लोग करते क्या है कि जुगाड़ के लिए 5 इंच का डिस्क लगा देते हैं, जो कि बहुत गलत है फ्रेंड्स। 5 इंच का डिस्क बना हुआ होता है अलग RPM पे घूमने के लिए बना हुआ रहता है फ्रेंड्स, और ये ज़्यादा RPM पे घूमने के लिए बना हुआ रहता है, तो उससे होता ये है कि वो कम RPM पे बना हुआ रहता है तो वो फटने का ज़्यादा डर रह सकता है, इसलिए आप हमेशा 4 इंच का डिस्क ही यूज करें इस पे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ डिस्क का क्वालिटी।
आपको हमेशा बेस्ट क्वालिटी का ही यूज़ करना है फ्रेंड। डिस्क उससे होगा क्या कि डिस्क फटने का डर बहुत कम हो जाता है। कभी कभी घूमते घूमते ये डिस्क फट जाता है, जिससे आपका ये डिस्क का टुकड़ा आपको लग सकता है, जो कि बहुत इंजूरी कर सकता है फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो हमेशा बॉश का ही यूज़ करें, अगर हो सके तो आप बॉश का ही डिस्क यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे तो मार्केट में ये दे देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसमें भी क्वालिटी होता है फ्रेंड्स। ये मेरा थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, बहुत लोग दे देते हैं कि थोड़ा ख़राब क्वालिटी का दे देते हैं फ्रेंड्स। तो आप डिस्क हमेशा बेस्ट क्वालिटी का ही यूज़ करें। और फ्रेंड्स डिस्क पे इस पे आरपीएम बना हुआ रहता है फ्रेंड्स, कि कितना आरपीएम पे ये डिस्क बनना घूमने के लिए बना हुआ है, तो फ्रेंड्स वो ज़रूर देख लें। इस पे आप देख सकते हैं 15,200 आरपीएम तक ये घूमने के लिए बन सकता है फ्रेंड्स। और ये हमारा ये एंगल ग्राइंडर 11,000 आरपीएम पे घूमता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे एंगल ग्राइंडर के लिए परफेक्ट है, इसका क्वालिटी भी ठीक ठाक है फ्रेंड्स। तो आपको इसको सही तरीका मैं बताता हूँ लगाने का फ्रेंड्स। जिधर आपको ये दिख रहा है, आपको एंगल ग्राइंडर के इस साइड लगाना है फ्रेंड्स। कोई कोई डिस्क में फ्रेंड्स आपको एरो बना हो रहता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वुड कटर है, इसके अंदर एरो बना हुआ है फ्रेंड्स। और आपके एंगल ग्राइंडर में भी एरो बना हुआ रहता है फ्रेंड्स। तो एरो मिला के आप इसको लगाइए तो आपका डिस्क हमेशा अच्छा काम करेगा। और फ्रेंड्स ये तो मैं यूज़ कर सकता, मैं आपको इसका सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा फ्रेंड्स। ये वुड काटने के लिए, आप इसको वुड काटने के लिए यूज़ ना करें। क्यों यूज़ ना करें वो भी मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। आप हमेशा देखे होंगे जो मार्बल कटर होता है उसके अंदर एक बेस होता है, वो इधर उधर हिलता नहीं है। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं तो हाथ इधर इधर हिल सकता है फ्रेंड्स, जिसके कारण किकबैक बहुत तेज आता है, जो कि संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अगर हैंडल लगाए हुए हैं तो थोड़ा संभाल सकते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि एक हाथ से ही चलाते हैं, तो किकबैक बहुत आता है फ्रेंड्स। इसलिए वुड काटने के लिए मैं इसको मना कर रहा हूँ, आप इससे वुड ना काटिए। बाकी आप इससे कटिंग ग्राइंडिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही आपको बेसिक प्रिकॉशन पे ध्यान देना है फ्रेंड्स। एंगल ग्राइंडर से ज़्यादा आपकी सेफ्टी ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो अपनी सेफ्टी पे ध्यान दें। और बाकी यही सब तरीका है। चलिए मैं आपको इसका एक डिस्क लगा के बताता हूँ फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको इसको, इस ब्लेड को इसके अंदर लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लगाना है ये राउंड नट। राउंड नट लगाने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो पीछे हमारा एंगल ग्राइंडर के ऊपर बना हुआ एरो, तो जिस साइड आपको ये प्रिंट दिख रहा है फ्रेंड्स उसके एरो की साइड लगा देना है। तो डिस्क बैठा के फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इसका क्लैंप नट बैठा देना है फ्रेंड्स, और इसको हल्का ही टाइट करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो आपका डिस्क फट सकता है। तो फ्रेंड्स ये लग गया हमारा। अब आपको इसको सेफली हैंडल पकड़ के और इस तरह कर से आप यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको किकबैक भी मिलता है तो आप बेसिकली इसको आराम से संभाल सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे तो फ्रेंड्स ये मशीन बहुत पावरफुल है, लेकिन जितना आप इसके ऊपर सेफली ध्यान देंगे, जितना आप सेफ रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।